वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू छोटे को ढेर सारा प्यार बड़ों को परिपोना जी। गाइस टाइम हो रहा है 11:30 और मैं आपसे मिली हूँ 11:30 बजे और मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई है 3:00 बजे 3:15 बजे तक हम घर से निकलेंगे। 4 बजे के बाद डॉक्टर अवेलेबल होगा। तो अभी मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। मेरे हस्बैंड अभी तक उठे नहीं है, उनको नींद आ रही है। मैंने कहा चलो सोने दो, हम तो नाश्ता करें। नाश्ता करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा घर का काम वाम निपटाती हूँ फटाफट, क्योंकि 3 बजे तक निकलना है। और ब्रूनो को खाना खा के जाऊँ खिला के जाऊँगी, खाना खा के भी जाऊँगी खिला के जाऊँगी, क्योंकि वो फिर पता नहीं मुझे 3 घंटे लगते हैं 2 घंटे लगते हैं, कितने टाइम में नंबर आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो भूखा ना रहे। तो पहले नाश्ता करती हूँ, थोड़ा सा काम निपटाती हूँ, थोड़ा सा वो लेट हो जाएगा क्योंकि वो भी सोया हुआ है अभी तक आराम से, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइज ये देखिए नाश्ते में मैं बना रही हूँ ब्रेड वाला पिज़्ज़ा स्टाइल। अभी ये मैंने ऑमलेट बनाकर इस पर ये ब्रेड लगा दी है। अब इसको पलटने में बहुत मुश्किल होती है, अगर ये पलटते समय टूट गया तो बस हो गया काम खराब। तो चलिए बड़ी सावधानी से इसको पलटते हैं प्लेट लगाकर। गाइज ये देखिए इसी का ढक्कन लगाकर इसको ऐसे रखा, पलटा और यहाँ में पलट दिया, तो ये बिना टूटे रेडी हो गया हमारा ब्रेड अंडे वाला पिज़्ज़ा। फाइनली डॉक्टर के पास जाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड साथ जा रहे हैं, और अभी टाइम हो रहा है 3:15। तो हम टाइम पे ही हैं, हम लेट नहीं हुए, क्योंकि 4:15 बजे तक डॉक्टर मिलेंगे। 1 घंटा लग जाता है जाने में और आरफ घर पे ही है, तो चलिए हम जाते हैं। और फोन मैं लेके नहीं जा रही क्योंकि आरफ का काम आया हुआ है, तो मेरे हस्बैंड के फोन से ही मैं बाकी का ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें बहुत अच्छा बना है। आ जाएगा आ जाएगा, मैसेज कर दियो आ जाएगा। तो चलिए अब आपको मिलती हूं मैं वहां जाते हुए। गाइस फाइनली हमने ऑटो कर लिया है और हम जा रहे हैं डॉक्टर के वहाँ पे, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरा हाल है। और मेरे हस्बैंड की तो छुट्टी भी खराब हुई, मेरे छुट्टी खराब मैं बोल रही थी मंडे छोड़ के किसी भी दिन मैं चली जाती हूँ, खाली बैठी हूँ, नहीं मैं मंडे को साथ जाऊँगा। तो बस अब क्लिनिक पहुँच जाए, डॉक्टर मिलते हैं वहाँ पर। फाइनली चेकअप हो गया, एवरीथिंग इज़ ओके, दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी बाहर निकले और हम 4 बजे के आए हैं, क्या टाइम हो रहा है 4 बजे आए हैं और 6 बजे हमारा नंबर होके हम फ्री हुए हैं। तो अब घर भागते हैं, ऑटो करते हैं और जाते हैं घर। गाइस हम लोग वहाँ से घर तो आ गए, और घर आने के बाद इतनी थकावट हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत नींद आ रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। मैं घर आई, खाना फटाफट बनाया, खाना खाया, और उसके बाद जो झपकी लगी ना 15-20 मिनट की, बस पता ही नहीं चला। तो अभी है रात के खाने का टाइम, और कल माता रानी का नराता शुरू है। जय माता दी, एक तो स्क्रीन क्लियर नहीं होती, अब ठीक है, माता रानी के नराते कल से शुरू है, तो जय माता दी। इसलिए अभी मैं इनको अंडे की भुर्जी, जो कबाब वगैरह है, वो सब बना के दे रही हूँ, और कल से माता रानी का नाम लेंगे। इन चीज़ों का नाम बिल्कुल नहीं लिया जाएगा नवरात्रों में। तो मैं लाई थी अजस्ता के पाउच, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मिला है रसना का नींबू वाला फ्लेवर, और ये मिला है रसना का मैंगो फ्लेवर, जो मैं बनाने लगी हूँ। चलिए गाइस बेटी को तो मैंगो रसना बना दिया, मैं पी रही हूँ नींबू वाला। ये जो 2-2 रुपए वाले पाउच होते हैं ना, इनका टेस्ट एक्चुअल में अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात है एक ग्लास का एस्टिमेशन पता चल जाता है, तो इट्स वेरी टेस्टी। नॉर्मली मेरे घर में सब एक पाउच डालते हैं एक ग्लास में, बट मैं 2 पाउच डालती हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट समथिंग एक्स्ट्रा। तो इसीलिए 2 पाउच मैंने डाले हैं, और इसका टेस्ट बहुत यम्मी डिलीशियस है। थोड़ी सी बैटरी बैकअप हो गया, एनर्जी रिवाइव हो गई, तो चलिए अब लगते हैं रसोई के काम में, क्योंकि आप रसोई देखो कैसे मैस हुई पड़ी है बहुत ज़्यादा वाली। तो रसोई समेटती हूँ और जिसको जो खाना है वो बना के देती हूँ, दही में रायता डालती हूँ। आज की छुट्टी तो मर जानी, पता ही नहीं चली। गाइज ये देखिए मैंने गड़वी में ही दही में रायता डाल दिया, थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सा बचा, ये मैंने अपने लिए बचाया हुआ थोड़ा सा ठंडा ठंडा रायता। गाइज अगर आप एक दिन घर ना हो ना, तो रसोई की ये हालत होती है, क्योंकि रसोई बहुत मैस हो जाती है। और अब मैं पहले पूरी किचन समेटूंगी, और उससे पहले मैं एक छोटा सा बनाऊंगी वीडियो क्लिप शॉर्ट्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू छोटू को ढेर सारा प्यार। गाइज ये नेक्स्ट डे वाली गुड मॉर्निंग है, जब मैं आपको टाटा बाय बाय करने लगी हूँ। आज है माता रानी का नराता, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। गाइज ये देखिए माता रानी की पूजा पाठ हो गई, सुबह सुबह उठकर नहा धोकर काम निपटा कर, मैं नहा धो चुकी हूँ एक्चुअली, बट गाउन पहनने क्योंकि रसोई में काम करना है। तो माता रानी की पाठ पूजा कर लिया, कीजिए माता रानी के दर्शन। ये देखिए हमारा छोटा सा मंदिर, जय माता दी जय माता दी जय माता दी। गाइज मैं अभी ब्लॉग करती हूँ एंड, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद नाश्ता पानी करते हुए, उसके बाद आपसे मिलूंगी। और आप सब पर माता रानी का प्यार और आशीर्वाद बना रहे, हम पर भी बना रहे, यही हम आपसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।